हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से। स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में बात करूंगा वॉक्सवैगन के बारे में। वॉक्सवैगन पोलो है, ईडी इंजन के साथ है, 1.2 लीटर इंजन। तो इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग की है। तो हमने गाड़ी को चेक किया था, उसका जो वाटर पंप है फेल हो चुका है, लीक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से हम इसका वाटर पंप रिप्लेस करेंगे और जो जो पार्ट है इसके, क्योंकि इसके पार्ट जो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होते हैं और प्लास्टिक एलिमेंट के ज़्यादा पार्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी जो टेक्नीशियन होते हैं कि जो पार्ट होते हैं रिमूव करने में कई बार पार्ट टूट जाते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक आइटम बताऊंगा किस तरीके से इसके पार्ट जो होते हैं रिमूव किए जाते हैं, और उसके बाद इसकी जो बेल्ट की फिटिंग होगी और जो टाइमिंग होगी और वाटर पंप किस तरीके से रिप्लेस करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। गाड़ी को हमने लिफ्टअप कर दिया है और गाड़ी की मैं लीकेज चेक करा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, रनिंग में है, और जो लीकेज है वो बेल्ट के अंदर जस्टर से देखो पानी आ रहा नीचे की तरफ, और पानी आके यहाँ से नीचे गिर रहा है पानी। तो गाड़ी अभी तक 66,000 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी फर्स्ट टाइम खुल रही है। अभी तक गाड़ी बिल्कुल सील्ड पैक है, अभी तक गाड़ी बिल्कुल खुली नहीं है। गाड़ी इसको वाटर पम्प को रिमूव करने के लिए हमारे को इसकी फ़ैन बेल्ट होती हैं और ये यहाँ पर जितने भी अरेंजमेंट लगे होते हैं, पाइप लगी होती हैं, ये टायर लगा होता है, ये फेंडर लाइनिंग होता है, ये सारे सिस्टम को रिमूव करना पड़ेगा कार से। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। टायर मैंने रिमूव कर दिया है और इसके जो फेंडर लाइनिंग होती है, फेंडर लाइनिंग के कुछ बोल्ट होते हैं, मैंने रिमूव कर दिए यहाँ से। और इसके बाद जो मेरा स्टेप रहेगा, ये जो इसके पाइप का बोल्ट होता है इसको मैंने रिमूव कर दिया है, और इसका एक बोल्ट होता है ऊपर वाली साइड वो भी मैंने रिमूव कर दिया है। और इसके बाद मैंने ये क्लंप होता है इसको भी लूज़ कर दिया है। तो उसके बाद ये पाइप को मैंने रिमूव कर दूंगा कुछ इस तरीके से। सो नीचे की मैंने फिटिंग खोल दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसका देखो क्लंप लूज़ कर दिया है, ये क्लंप है इसका, इसको मैंने लूज़ कर दिया है। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोलूँगा इसको धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाते हैं तो ये पाइप कटने का डर होता है। तो इसको बिल्कुल प्यार से खोलना है। ये आप देख सकते हैं पाइप बिल्कुल रिमूव हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से फर्स्ट टाइम खुल रही है गाड़ी। तो इसको जो नट होते हैं अपने पाइप होती है ये इसमें काफ़ी फिक्स हुई होती है, तो इसको काफ़ी प्यार से खोलना पड़ता है। ये रिमूव हो चुकी है, तो ये इसका सेंसर है और इसको मैंने यहाँ पे इसका क्लिप होता दबाने का, उसको खोल के यहाँ से ईजिली रिमूव हो जाएगा। इस वायरिंग को मैं साइड में कर दूँगा। उसके बाद जो इसकी डीजल फिल्टर की लाइन होती है, इसके लॉक होते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसको दबा के इसको आगे पीछे करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा इजली। और उसके बाद मैंने इसको खोलना है, ये जो पाइप होती है कूलेंट टैंक के पास, और इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। और जो एक मेन पाइप होती है इसकी कूलेंट टैंक की नीचे वाली, इसको रिमूव करना है। और ये कर्थ होता है यहाँ पर लगा हुआ, इसको भी रिमूव कर दूँगा और एक इस पाइप को भी रिमूव कर दूँगा। जितना भी एरिया है यहाँ से मैं जितने भी पार्ट है इसको सारे रिमूव कर दूँगा। वो इसलिए करूँगा क्योंकि हमारे को काम करने में परेशानी ना हो, इजीली हमारे जितने भी पार्ट हमने रिमूव करने हैं वो यहाँ से रिमूव हो सके, क्योंकि अदरवाइज हम रिमूव नहीं करेंगे तो जो पार्ट टूटने का डर होता है, क्योंकि काम करने को जगह चाहिए होती है, अगर हमारे को जगह नहीं मिलेगी तो पार्ट टूटने का ज़्यादा डर होता है, क्योंकि जितने पार्ट हैं सारे प्लास्टिक के होते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली पार्ट होते हैं जर्मन कार के। तो मैं जल्दी से इसको रिमूव करता हूँ। तो हमने जितने भी इसकी फिटिंग थी, जितने भी पार्ट थे गाड़ी से हमने रिमूव कर दिए हैं। ये इसका ब्रैकेट होता है, ये इसकी माउंटिंग होती है, ये पाइप है, ये तो मैंने आपको दिखा भी दिया था। और यहाँ से भी देखो मैंने सारी जितनी भी पाइप लाइन सारी सारी की सारी रिमूव कर दी है, ताकि काम करने में हमारे को कोई परेशानी ना हो। और इसकी वाटर पम्प की लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ये इसका वाटर पम्प है, आप देख सकते हैं ये लीक कर रहा है। मैं थोड़ा डीपली दिखाऊँगा आपको, ये देख सकते हैं आप। तो इससे पहले हमारे को इसकी टाइमिंग मिलानी पड़ेगी गाड़ी की, और उसके बाद इसकी बेल्ट रिमूव होएगी, उसके बाद इसका वाटर पंप रिमूव होएगा। तो जल्दी से इतनी इसकी फिटिंग खोल लेता हूँ मैं। और वाटर पंप के तीन ही बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, आप देख सकते हैं इसमें बीच में 5 नंबर की हल्की लगती है और बाहर वाली साइड में इसमें 10 नंबर की गोटी लगती है। टाइमिंग बेल्ट इसकी मैंने रिमूव कर दिया है और जो वाटर पंप है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। ये इसकी लोकेशन है। और इसकी जो मैं फ़ैन बेल्ट है उसको भी रिप्लेस कर रहा हूँ, टाइमिंग बेल्ट को भी रिप्लेस कर रहा हूँ।
ये इसकी टाइमिंग बेल्ट है, आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी क्रैक पड़ चुके हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ से क्रैक हो चुकी है, ये देख सकते हैं। और ये इसकी फैन बेल्ट के हाल है, ये देख सकते हैं आप, ये भी टूटने की कतार पे है, आप देख सकते हैं। और इसका एक फैन बेल्ट का जो बैरिंग होता है ये वाला इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो जो न्यू पार्ट है, इसका पुराना वाटर पंप है जो लीक कर गया था, इसमें भी काफ़ी प्ले है, तो इसमें जो यूज़ कर रहा हूँ पार्ट वॉक्सवैगन का है, ये इसका न्यू वाटर पंप है। और इसमें जो फैन बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो वॉक्सवैगन की कर रहा हूँ। और ये इसका आइडल बैरिंग है, ये डाइको कंपनी का है, आप देख सकते हैं डाइको। और इसमें जो फैन बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, गेट्स की यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसको वाटर पंप को हम फिट करेंगे, फिटिंग का वीडियो मैं आपको बताता हूँ। तो वाटर पंप को कुछ इस तरीके से फिट करते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बुलडॉग लगाया हुआ है, ट्यूब लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं इसमें। और इसमें तीन बोल्ट होते हैं, ये वाले। तो जल्दी से इसको फिट करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी टाइमिंग बेल्ट इसमें इंस्टॉल करूँगा और टाइमिंग भी आपको बताऊँगा किस तरीके से इसका टाइमिंग सेट करते हैं हम। वाटर पंप इसमें मैंने फ़िट कर दिया है और टाइमिंग बेल्ट इसमें मैंने लगा दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और जो टाइमिंग होता है इसका वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने वाल लगा दिया है, वो सामने वाली साइड आप देख सकते हैं, वहाँ पे लॉक होता है इसका पंप। और केम का टाइमिंग कुछ इस तरीके से रहता है, और जो क्रैंक का टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं, ये जो कट है कुछ कट इस तरीके से रहेगा, जो ये होल होता है होल के थोड़ा पीछे को रहेगा कट, इस तरीके से मैं टाइमिंग इससे रखता हूँ। बाकी अगर आप डिटेल टाइमिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से टाइमिंग सेट करता हूँ। और जो ये रजिस्टर है, ये न्यू मॉडल वाला है, इसमें जो रोटेशन होती है रजिस्टर की बेल्ट टाइट करने वाला, इसकी क्लॉकवाइज होती है, कुछ मॉडल में एंटी क्लॉकवाइज आती है, इस मॉडल में क्लॉकवाइज आती है। तो मैं इसको एलकी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा इस तरीके से। और आप यहाँ पे कट देखना इसका, ये कट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा इस कट के सामने। अब इसके बाद मैं इस नट को टाइट कर दूंगा, इसमें 15 नंबर का स्पैनर लगता है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसका जो ब्रैकेट होता है यहाँ पे लगता है, उस ब्रैकेट को लगाऊंगा और टाइमिंग कवर को लगाऊंगा, और उसके बाद इसकी डैम्पर पुली लगाऊंगा, और डैम्पर पुली में जो क्रैंक का कट होता है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसके जो नट मैंने यहाँ से रिमूव किए हुए हैं, इसको मैं टाइट करूँगा तीनों नट को, उसके बाद यहाँ से लॉक करके लॉक खोल के इसके इंजन को रोटेशन देंगे। तो इस तरीके से इसका वॉक्सवैगन पोलो का टाइमिंग रहता है। और जल्दी से मैं यहाँ से फिटिंग करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिटिंग का कोई झमेला नहीं है, इसमें तीन बोल्ट होते हैं फाउंडेशन के, और तीन बोर्ड इसमें माउंटिंग के होते हैं, उसको जल्दी से फिट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे पाइपलाइन करके मिलता हूँ फिर इसको स्टार्टिंग के टाइम आपको। आया तो मैंने इस कार की जो फिटिंग है सारी कंप्लीट कर दी है, आप देख सकते हैं मैंने इसकी माउंटिंग लगा दी है, और जितनी डीजल की लाइन होती है इसको मैंने सबको फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिट कर दिया मैंने डीजल की लाइन है, और जो क्लंप जहाँ से खोले होते हैं वहीं पर उसी पोजीशन पे लगने चाहिए, अदरवाइज़ इसमें लीकेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है डीजल का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करके चेक कराता हूँ आपको। लगाओ सर जी। तो आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी में कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मीटर क्लस्टर पर भी आपको दिखाना चाहूँगा, कोई वार्निंग लैम्प नहीं इसमें। तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर तक हीट करेंगे, उसका फ़ैन भी चेक करेंगे। अभी इसमें हमने पानी डाला है फिलहाल के लिए, तो ये भी गर्म हो रहा है।
उसके बाद फैन चेक करेंगे हम गाड़ी का। टेस्ट ड्राइव के लिए हम ऑन रोड आ चुके हैं और गाड़ी का पिकअप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और मीटर क्लस्टर पे कोई भी वार्निंग लैंप नहीं है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी को मैं 10 किलोमीटर चला चुका हूँ, गाड़ी में कोई भी कैसी भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना भी हमने काम किया है तो काम करने के बाद हमारे को गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके हम गाड़ी को डिलीवर करते हैं, क्योंकि बहुत से केस में ऐसा होता है भी हम काम कर देते हैं, चेक नहीं करते गाड़ी, खड़ी गाड़ी को चेक कर लेते हैं तो उससे फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले गाड़ी को ओके कर लेता हूँ, उसके बाद खड़ी गाड़ी को भी चेक कर लेते हैं, फैन फोन ओके चल रहा है चेक कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम इसका कूलेंट फिलअप करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई पाइप लीकेज होती है और कहीं से लीकेज होती है तो कूलेंट भी हमारा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं कूलेंट भी नहीं डालता। अभी गाड़ी में पानी है, मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी की, तो जब गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, उसके बाद जब हम वर्कशॉप पे जाएंगे तो उसके बाद इसमें हम कूलेंट रिफिल करेंगे और उसके बाद गाड़ी को हम डिलीवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से मैंने इसका वाटर पम्प चेंज किया। आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल एंड मस्त डंडे की तरह चल रही है। गाड़ी का पिकअप भी बड़ा मस्त है। तो गाड़ी है वॉक्सवैगन पोलो फाइनल हो चुकी है। तो जिस तरीके से मैंने इसका वाटर पंप रिप्लेस किया, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैंने शेयर किया, तो गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ी को हमारे पास डिलीवर हुआ एक हफ्ता हो चुका है। तो हमारे पास एक हफ्ते के बाद यहाँ पे गाड़ी आई है कूलेंट डालने के लिए। मैंने इसमें कूलेंट नहीं डाला था, बिना कूलेंट के भेजी थी ताकि इसमें कोई लीकेज नहीं है। और हमारे जो ये ओनर है गाड़ी के, हेलो जी, ये मिस्टर दिलशाद है जिनकी ये गाड़ी है। तो सर आप हमारे को बताएं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, गाड़ी ओवरहीटिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, पहले 100 किलोमीटर थोड़ा आगे दो, 100 किलोमीटर चल के पानी खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाता था, थोड़ा जोर से बोलना आपने ताकि 100 किलोमीटर पे पानी खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में चलो खड़ी हो गई रास्ते पे, फिर पानी डाल डाल के यहाँ तक पहुँचाई, उसके बाद अब लीकेज हफ्ता चला, एक हफ्ता चला लिया है, उसके बाद मैं यह लास्ट क्लिप ले रहा हूँ ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इसमें हम गाड़ी में कूलेंट डालेंगे तो ऐसा कोई इशू तो नहीं है आपको ओवरहीटिंग का, गाड़ी ओके है, काम तो चली है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये थी गाड़ी पोलो जिसके हमने काम किया था। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस किसी ने हमारा को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो वीडियो को अंत तक देख लिया हमें, इसके लिए थैंक यू।